हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस प्रिया टीवी। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली एवरटीन ने लॉन्च किया है एक सोशल कैंपेन फॉर वुमेंस, विच इज़ हैशटैग फिक्स योर पीरियड्स। सो इस कैंपेन का जो मेन एम है वो है मेंस्ट्रुअल कप के रिगार्डिंग आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना। इसके अलावा आप सभी को अवेयर करना कि मेंस्ट्रुअल कप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इको फ्रेंडली है यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके अलावा यह है हेल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टैम्पोन्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स। सो गाइज, मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही पुराने हो चुके हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है जो कि वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे इंडिया में जो है हम सैनिटरी नैपकिन्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हार्डली 10-20% जो वुमेंस होंगी वो मेंस्ट्रुअल कप को प्रेफर करती हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप जो वर्जिन लेडीज़ होती हैं वो यूज़ नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर आप टीनेजर हैं तो आपको लगता होगा कि शायद ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल, इससे पेन होता होगा या फिर इससे आपकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें एक मिथ है। आप जब मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कम्फर्टेबल है। अगर आप पूरे साल भर में एक गेस करें कि 5 days per month आपको पीरियड्स होते हैं तो वो आपके लिए मोस्ट अनकम्फर्टेबल डेज़ होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को क्विट करना पड़ता है कि नहीं, अगर हमें पीरियड्स है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करेंगे तो वो जो पूरे साल भर में 60 डेज होते हैं यानी कि साल के 2 महीने जो होते हैं उसमें आप किसी भी काम को आराम से कर सकेंगे, कोई भी चीज़ यानी कि ये पीरियड्स वाली चीज़ आपको रोकेगी नहीं, क्योंकि पैड्स में बहुत लिमिटेशन होती है, चेंज करते रहो फ्रिक्वेंटली। इसके अलावा इन्फेक्शन का डर होता है, रैशेज का डर होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही सेफ है, बहुत ही हेल्दी है। 10 साल तक आपका एक ही कप यूज़ हो जाता है यानी कि इसको आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है, तो इसमें आपकी जो वजाइना है इसमें कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि ये ब्लड को कलेक्ट करता है, तो इससे आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, इस सोशल कैंपेन के एम को कंप्लीट करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम चाहते हैं कि सोसाइटी में एक ऐसा चेंज आए ताकि सब जान पाए कि जो नॉन पीरियड्स डे पे हम काम यूजुअली करते हैं वो हम पीरियड्स डे में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुअल कप। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं गिव अवे की। गिव अवे में ये है कि अगर आपने कभी भी मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ किया है तो आप उसकी वीडियो बनाकर उसका जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप मुझे वो शेयर करके बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप बाइंग लिंक्स चेक कर सकते हैं और मेंस्ट्रुअल कप को खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेंस्ट्रुअल कप से रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर देंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट। और ये क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये मैं आपको शेयर करूंगी 19th of August 2019 को। तो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेंस के साथ में शेयर करें। इसके अलावा आप जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके आगे हैशटैग फिक्स योर पीरियड्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मैं बोलना भूली गई कि टीजर्स मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो टीजर्स मिस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टीजर्स में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप से रिगार्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस कैंपेन में पार्ट लेने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेंस के साथ में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।